आजकल सब्जी मंडी में ताजी फूल गोभी आने लगी है। फूल गोभी कई विटामिन से भरपूर होती है और सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। फूल गोभी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। फूल गोभी में विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। हालांकि रोजाना फूल गोभी खाने से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, इसलिए कुछ लोगों को फूल गोभी खाने से मना किया जाता है। फूल गोभी खाने से पेट फूलना, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जानिए किन लोगों को फूल गोभी नहीं खानी चाहिए। पहला है गैस और सूजन की समस्या। जिन लोगों को अक्सर खान पान की वजह से गैस और एसिडिटी की समस्या रहती है, उन्हें फूल गोभी का सेवन कम से कम करना चाहिए। फूल गोभी में कार्बोहाइड्रेट होता है जो डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है। फूल गोभी की सब्जी या पराठा खाने के बाद आपको गैस और सूजन की समस्या हो सकती है, इसलिए फूल गोभी का सेवन ना करें। दूसरा है थायराइड में फूल गोभी ना खाएं। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो फूल गोभी ना खाएं, इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। फूल गोभी खाने से थायराइड ग्लैंड की आयोडीन इस्तेमाल करने की क्षमता कम हो जाती है, इससे परेशानी हो सकती है। फूल गोभी खास तौर पर T3 और T4 हार्मोन के लेवल को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए थायराइड के मरीजों को फूल गोभी का सेवन कम से कम करना चाहिए। तीसरा है पथरी होने पर फूल गोभी ना खाएं। पथरी होने पर भी फूल गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए, ये नुकसानदेह हो सकता है। खासकर अगर आपके गॉल ब्लैडर और किडनी में पथरी है तो आपको फूल गोभी खाने से बचना चाहिए। फूल गोभी में कैल्शियम होता है जो पथरी की समस्या को बढ़ा सकता है। चौथा है ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होने पर। अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है तो फूल गोभी का सेवन बिल्कुल ना करें। फूल गोभी में पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है जो शरीर में खून को गाढ़ा कर सकता है, इसलिए फूल गोभी का सेवन सीमित करें या बिल्कुल ना खाएं। पांचवा है प्रेगनेंसी में फूल गोभी ना खाएं। प्रेगनेंसी में भी आपको फूल गोभी का सेवन करने से बचना चाहिए, इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती है। खासकर प्रेगनेंसी में इससे गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए फूल गोभी से परहेज करना जरूरी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।